तो लगभग आपको कुछ 110-120K US dollars पर ईयर का ऑफर मिलता है। तो टैक्स यहाँ पे बहुत ही गजब है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनका इनकम टैक्स है ही नहीं, तो आपका इवेंचुअली इट बिकम्स 42% या 41% कि आप शादी करके मूव करो। सो इसके बाद भी अगर हम लाइक $2,000 सेव करते हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 150,000 रुपीस। सो आप 5 साल से ज्यादा US में नहीं रह सकते। इट्स एन अनसर्टेनिटी कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत ही बड़ी क्योंकि लॉटरी बेस्ड है। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस USA जॉब्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, सैलरी कैसी होती है, तुम सेविंग्स वगैरह कितनी कर सकते हो। एंड टुडे वी हैव गौरव सर विद अस अगेन एक और वीडियो के लिए, एंड इस बारे में थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हे एवरीवन, तो मेरा नाम गौरव है, गौरव भोला, और मैं गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लगभग मुझे हो गए हैं 3 साल। तो अभी US में मुझे ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए हैं। इससे पहले मैं इंडिया में था, और इंडिया में मैं गूगल पे पे काम कर रहा था, गूगल 23 आप लोगों ने सुना होगा। और उसके बाद यहाँ पे US में मैं एंड्रॉयड पे काम कर रहा हूँ, एंड्रॉयड OS जो कि कार्स के लिए बना है, तो उसे बोलते हैं एंड्रॉयड ऑटोमोटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। और इससे पहले, गूगल से पहले मैं ब्लूस्टैक्स पे काम कर रहा था। ब्लूस्टैक्स एक स्टार्टअप, वैसे तो 10 साल हो गए, अभी भी स्टिल अ स्टार्टअप। तो उसमें मैंने 4 साल काम किया एज अ काइंड ऑफ अ फुल स्टैक इंजीनियर। और ग्रेजुएशन मेरी थी NIT कुरुक्षेत्र से एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर। So, वो non-CS2, like getting a job at Google, उसके बारे में हमने एक और वीडियो में बात किया था, एंड एक वीडियो और बनाई है हमने, ठीक है, जिसमें हमने रिमोट वर्क, रिमोट जॉब्स के बारे में बात किया है। दोनों आई बटन में आ रही होंगी, एंड सर का चैनल को तुम जाके फॉलो कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में टैग्ड होगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि कॉम्पोजिशन वगैरह क्या होती है, अगर कोई फ्रेशर बंदा वहां जाके ज्वाइन कर रहा है तो सैलरी क्या होती है, स्टॉक्स वगैरह कितने मिल रहे होते हैं। तो बे एरिया की एक्चुअली बात करते हैं कि मुझे बे एरिया का ज़्यादा आइडिया है, और मतलब मैंने जितना भी ये डेटा वगैरह जो मैं बताऊंगा एवरेज, ये सब levels.fii पे है बाय द वे, तो आप उस पे जा सकते हो, लेवल वाइज भी देख सकते हो। फ्रेशर्स की बात करते हैं, तो लगभग एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हो बे एरिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो लगभग आपको कुछ 110-120K US dollars पर ईयर का ऑफर मिलता है, तो ये बेस सैलरी है। और अगर स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स अब कितना भी वो कंपनी टू कंपनी काफ़ी वेरी करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको शायद कुछ टू बिगिन विद एज एन जब आप ज्वाइन करते हो तो 60-70K के या लेवल अच्छा 100K भी दे सकती है, जिनकी वेस्टिंग जो भी 4 साल या 5 साल होगी। गूगल भी लगभग इतना देता है, ऊबर थोड़ा ज़्यादा दे देता है। बढ़िया, मोस्टली फॉर फ्रेशर्स इट्स अराउंड 110 or 120K. बहुत ही गजब है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे तो जो फेडरल गवर्नमेंट है एज इन सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इंडिया में बोलते हैं, वो लोग तो टैक्स लगाते ही हैं, उनका कुछ 20-25 इसके बीच में रहता है। मतलब ये एक्चुअली मैं एवरेज टैक्स रेट बता रहा हूँ, स्लैब्स हैं बट इवेंचुअली कुछ एवरेज इतना कुछ बैठता है। तो और फिर अब कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया स्टेट भी इनकम टैक्स लगाता है जो कुछ 8-10% के बीच में वेरी करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, कोडिंग निंजा ने होली पे काफी अमेजिंग ऑफर निकाला है, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है, एंड एक स्पिन द व्हील करके चीज है जिसपे तुम स्पिन करोगे व्हील तो 0-20% के अराउंड में और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो काफी अमेजिंग डील है। इसके अलावा यार जो जो एनरोल कर रहे होंगे कोर्सेज में इस डील के साथ, उनको एक एसियोर कोडिंग इंटरव्यू वाली बुक भी डिलीवर हो रही होगी फ्री। So, काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बट एक डिस्क्लेमर यार, दिस डील इज ओनली फॉर 16th March, मतलब बस आज के लिए एप्लीकेबल है, आज के बाद नहीं होगी। तो अगर तुम्हें कोई भी कोर्स लेना तो जाके जल्दी से नीचे वाले लिंक से जाके तुम ले सकते हो। दोस्तों, डोंट नो अबाउट कोडिंग निंजाज, यार कोडिंग निंजाज इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तुम्हें यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, तुम्हारा DS in C++, जावा, पाइथन, एंड यार यहाँ पे तुम्हें 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, TA सपोर्ट मिल जाता है अगर तुम कहीं भी अटकते हो। तुम्हारा कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफी अमेजिंग है, जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर जो तुम्हारे टीचर्स हैं यार वो स्टैनफोर्ड IIT ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेजन फेसबुक जैसी अमेजिंग कंपनीज में काम किया हुआ है। सो जाके इस वाली डील का जल्दी से फायदा उठा लो, ठीक है।
काफी अमेजिंग डील है, 40% प्लस 20% और मिल सकता है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनका इनकम टैक्स है ही नहीं, जैसे वॉशिंगटन एक मुझे पता है जहाँ पे स्टेट इनकम टैक्स नहीं है। तो हाँ, एटलीस्ट इन थ्योरी आप किसी ऐसे स्टेट में जा सकते हो जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, तो आप ज़्यादा सेव कर पाओगे ऐसा लोग सोचते हैं, बट देन सैलरीज भी वहाँ पे थोड़ी कम होती हैं। Okay. फिर भी सेविंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है, बट या दैट्स अबाउट इट। बाकी तो हाँ, तो लगभग ये कितना हुआ, 2025 लगभग 34-35 के आसपास। इसके अलावा ना कुछ छोटे मोटे टैक्स होते हैं जो ऐसे लगा देते हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ एक दो और हैं जो 2-2.5-1.5 ऐसे ऐसे करते करते आपका इवेंचुअली इट बिकम्स 42 या 41%। तो काफी फनी है, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप मतलब यू आर एलिजिबल बैचलर और आप सोच रहे हो कि आपने अपनी शादी करनी है बट आप मूव करने का भी सोच रहे हो, आई विल सजेस्ट कि आप शादी करके मूव करो। क्योंकि तो यहाँ पे एक ऐसा फंड है कि अगर जो मैरिड लोग हैं वो साथ में अगर फाइल करें इनकम टैक्स, तो मतलब मैरिड कपल है वो साथ में अगर इनकम टैक्स ITR वगैरह फाइल करें तो उसमें काफ़ी अच्छा वो मिलता है, रिटर्न मिलता है, और जो आपकी स्लैब्स हैं वो भी थोड़ी एक्सपैंड हो जाती हैं और जो एवरेज टैक्स रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और दोनों की सैलरी पे अगर देखो तो फर्क पड़ जाएगा काफी। लाइफ हैक्स। तो अगर आपकी आपके आपके पास ये है कि शादी पहले करनी है या फिर मूव करना है, तो शादी करके मूव करो। सही है। इंडिया में जनरली सबको पता होगा कि 30% के आसपास टैक्स टोटल हो ही जाता है। 10 लाख से ऊपर अगर तुम जाते हो तो 30% होता है, फिर अगर तुम न्यू स्कीम लेते हो तो थोड़ा डिफरेंस होता है, अंडरग्राउंड में थोड़े तुम डिडक्शन वगैरह लेते हो तो थोड़ा बहुत टैक्स और बच जाता है। तो वो सब तुम किसी एक अच्छे CA की वीडियो देख सकते हो, किसी फाइनेंस वाले की देख सकते हो, ज्यादा अच्छे समझाएंगे कि टैक्स लाभ वगैरह क्या होता है। बट हाँ, मोटा मोटा 30% टैक्स होता है, बट इट इज लेस देन US स्टिल, 42 वर्सेस 39, 30% जीत जाएगा। बट हाँ, फिर वहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा और आइडिया हमें आ जाएगा कि सैलरीज में जो इतना डिफरेंस है 100K USD वर्सेस जो तुम्हें यहाँ पे 15 लाख या 12-13 लाख जो भी मिल रही होती है उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है सेविंग्स वगैरह में। सो गौरव, आप थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग का बताओगे, लाइक रेंट क्या होता है, एवरेज ट्रांसपोर्ट वगैरह में, ग्रोसरीज वगैरह में कितना एक्सपेंड हो जाता है? तो एक्चुअली इसको ना ऐसे देखते हैं कि तो रिगार्डलेस ऑफ आपका इनहैंड जितना भी है, लेट्स से महीने का फॉर नाउ कंसिडर कर लेते हैं कि 6,000 आपका इनहैंड है, मुझे पता नहीं कितना होगा बट लेट्स अस्यूम कि 6,000 है। तो यहाँ पे एटलीस्ट बे एरिया में तो बहुत ही मैकेनिकल है ये सब कुछ, मैकेनिकल इन द सेंस सब कुछ फिक्स्ड है, कुछ भी रैंडम नहीं है और लगभग जितने भी लोग हैं हम जैसे सबका सिमिलर होगा ऑलमोस्ट। तो आप यहाँ पे आते हो, आप लेट्स से इवन इफ यू आर मैरिड, आप टू बिगिन विद आप एक 1-bedroom अपार्टमेंट देखते हो और वो आपको 2200 से कम नहीं मिलेगा। जो ठीक ठाक थोड़ा सा ठीक ठाक अपार्टमेंट आप चाहोगे उसमें जिम भी हो तो आपको 2400 या 2500 तक वो खिंच जाएगा रेंट पर मंथ। तो 2500 आपके सीधा गए आपकी पर मंथ सैलरी में से। उसके हाँ, उसके बाद फिर आते हैं कि ग्रॉसरीज। सो अगर दो लोग हैं, एक रीजनेबल पर मंथ ग्रॉसरीज लिमिट मैं कहूँगा लगभग 800-900 के आसपास, आप 1000 ही ले लो इनफैक्ट, प्रोवाइडेड कि आप क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, आप लगभग घर पे खा रहे हो, या आप घर पे भी नहीं भी खा रहे हो तो भी आपका पर मील पर पर्सन अराउंड $10-12 हो जाता है। 600 में भी मैनेज हो जाता है, बट नाउ आई एम काउंटिंग द वीकेंड्स एंड एवरीथिंग। आप बाहर जाओगे वहाँ थोड़ा सा महंगा मिलेगा, आप मे बी ज़्यादा खाओगे, कुछ फैंसी ऑर्डर करोगे, तो 800-900 रिलैक्स करके 1000 मान लेते हैं। सिर्फ खाना नहीं है इसमें, और भी थोड़ी बहुत यूटिलिटीज भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा फिर हम आते हैं कार, क्योंकि यहाँ पे तो बे एरिया में ये है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो विदाउट अ कार यू आर इफेक्टिवली क्रिपल्ड। तो कार आपको लेनी ही पड़ेगी इवेंचुअली, तो कार में ही है, लीज वगैरह पे ले लो, आपको $200-300 में पर मंथ में मिल जाएगी ठीक ठाक, और पेट्रोल का भी आप थोड़ा बहुत दोगे तो इवेंचुअली 600 तक बात चली जाती है। फिर 600-700 तक आप अगर लीज नहीं भी कर रहे हो, सेकेंड हैंड कार भी ले रहे हो तो भी आप लेट्स से 3 या 4 years होराइजन में देखोगे तो पर मंथ आपको इतना ही पड़ जाएगा, प्रोवाइडेड आप ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एकदम से तो नहीं लोगे, कुछ EMI डाउन पेमेंट करके EMI पर लोगे।
तो लगभग 600 कार का हो गया और यही है, बाकी अपने आयाशी में जीने, आप जितने मर्जी उड़ाओ, दुनिया भर की सब्सक्रिप्शन ले लो तो ऑलमोस्ट सब कुछ है तो महंगा ही, राइट? ऑलमोस्ट $4,000 के आसपास आ जाता है, राइट? मतलब टोटल अगर हम करें तो ऑलमोस्ट $4,000 अराउंड हो गया, एंड हमने सैलरी जो कंसिडर करी है 6,000 है. सो इसके बाद भी अगर हम लाइक $2,000 सेव करते तो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1,50,000 रुपीज. सो जो एक बंदे की इंडिया में सैलरी होने वाली है उतना, मतलब वो भी अच्छे लेवल पे, थोड़ा लेवल पे जाने के बाद इतनी सैलरी होती है, उतना वो सेव हो जाता है. मैं यहाँ पे पॉज करके एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अब यहाँ पे एक तो कैचेस हैं, वो ये है कि हमने कंसिडर किया कि दो बंदे थे या आपने मतलब हस्बैंड वाइफ थे, right. और सिर्फ हस्बैंड अर्न कर रहा है और ये सब उस पर्सपेक्टिव में था. नाउ वंस योर वाइफ स्टार्ट्स अर्निंग, सो इफेक्टिवली ऑल ऑफ दैट इज योर सेविंग. एग्जैक्टली. सो ये वाला डिसीजन काफी अच्छा है जो हमने पहले बात करी थी, तो टैक्सेस भी तुम्हारे बच जाते हैं और तुम्हारी सेविंग्स भी. एग्जैक्टली, यही बिल्कुल यही रीजन है. अगर तुम साथ में जाते तो ये कंसिडर करके जरूर तुम शिफ्ट कर सकते हो सिंगल पर्सन में. एक्चुअली पर अब ऐसे देखें कि अगर कोई बैचलर मूव करता है तो उसके फाइनेंसिस थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि फिर जो ये जो 2500 वाला है तो मे बी आप 2 BHK देखोगे जो कि 2800-2900 या 3000 में मिलेगा, फिर आपका जो रेंट है, आपका शेयर है, वो 1500 पे आ जाएगा. एंड मैंने देखा है लाइक लोग क्या करते हैं, लिविंग रूम में भी कोई ना कोई रहेगा होता है, सो अगर वो 2 BHK है तो दे लाइक 3 people लिव इन दैट रूम, सो इफेक्टिवली वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो और थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि एक बंदा लिविंग रूम में रह रहा होगा, दो लोग अलग अलग बेडरूम में रह रहे होंगे, एंड वो मतलब उसी प्रोपोर्शन में फिर दे लाइक शेयर द रेंट, कि लिविंग रूम वाला थोड़ा कम देगा, बेडरूम वाला थोड़ा ज्यादा देगा, मतलब वो जो सारी चीजें हैं. सो हाँ, मतलब तुम कॉस्ट कटिंग तो कर ही सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मतलब अगर तुम कार नहीं ले रहे तो साइकिल पे तुम ट्रैवल कर सकते हो, दैट विल आल्सो लाइक रिड्यूस $500-600 फ्रॉम दैट. एंड ये वाली चीजें करने का तो राइट, आप मतलब अपने ऑफिस के पास ले लो, तो ये वाली चीजें करके तुम काफी अच्छे से लाइक सेव तो कर ही सकते हो, दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन. बट हाँ, दिस वॉज की अगर तुम नॉर्मल एक लाइफ जी रहे हो, ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर रहे हो, सो दिस विल बी द टोटल सेविंग्स लाइक 1,00,000-1,50,000 के आसपास तुम कर लोगे अगर तुम सिंगल हो तो, भी इतना तो हो ही जाएगा. सो गौरव, आपने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया, लाइक रिसेंटली अब तो 6-7 महीने हो गए आपको, तो आपको कुछ डिफिकल्टीज आई होंगी लाइक स्विचिंग टू अ न्यू सिटी, स्विचिंग टू अ न्यू कंट्री, तो कुछ शेयर करना चाहोगे आप? हाँ, एक्चुअली राइट. तो यहाँ पर तो एक चीज ये कि अगर आपने ऑलरेडी इंडिया में मूव किया हुआ है एक दो बार तो कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब लगभग चैलेंजेस वही रहेंगे जो इंडिया में होते हैं. लेट्स से आप दिल्ली से बैंगलोर मूव कर रहे हो या फिर द अदर वे अराउंड, तो जो चैलेंजेस आपको वहाँ पे दिखते हैं, एक तो स्टार्टिंग में थोड़ी एंजाइटी होती है सब कुछ सेटअप करना, और नया शहर, आप किसी को जानते नहीं हो, तो ये सब चीज़ें तो हैं. यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, और दिस वेरी थॉट वेयर यू नो कि आप अपने घर से बाय लैंड कनेक्टेड नहीं हो, तो इट टेक्स सम टाइम टू गेट एडजस्टेड टू दैट. इसके अलावा प्रॉब्लम्स में कल्चर शॉक थोड़ा बहुत है, मेरे लिए शायद नहीं था क्योंकि मैं पहले यूएस, मतलब मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं, बट मैं पहले 4 बार आ चुका हूँ, 1-1.5 महीना रहा था, मैंने काफ़ी ड्राइव किया यूएस में, तो मेरे लिए नहीं बट मेरी वाइफ के लिए ये सब कुछ काफ़ी नया था. और यहाँ पे लोग भी नहीं दिखते हैं, जैसे बाहर निकलो सड़कें काफ़ी सुनसान लगती हैं. तो आप इंडिया से, मतलब यू आर इन द हैबिट ऑफ सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर ऑन द रोड्स या फिर जहाँ पर भी आप जाते हो, तो यहाँ पे उस सेंस में काफ़ी सुना सा लगता है. तो स्टार्टिंग में लगता है कि काफ़ी बोरिंग सा चल रहा है सब कुछ, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 4-5 months. उसके बाद यू गेट इन द हैबिट ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है. आई एम प्रीटी श्योर कि जब इंडिया जाएंगे तो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा. बहुत सारे लोग, हाँ, तो कुछ अलग चैलेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट वैसे ही चैलेंजेस हैं जो वहाँ पे होते हैं, थोड़े से और एक्स्ट्रा हैं जस्ट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कंट्री. राइट, ट्रैवल्स आई थिंक काफी प्लान करने पड़ते होंगे, लाइक इंडिया में तो फिर भी यू कैन लाइक थोड़े कम शॉर्ट नोटिस पे तुम ट्रैवल कर सकते हो, बैंगलोर टू योर होम स्टेट या फिर हैदराबाद टू योर होम स्टेट, कहीं पे भी. बट यूएसए इंडिया आना थोड़ा काफी प्लान करके जाना पड़ता है, बिकॉज एक तो टिकट्स काफी एक्सपेंसिव हैं,
प्लस हॉलीडेज वगैरह का सीन, राइट? करेक्ट. एक्चुअली मेरे ख्याल से सिर्फ टिकट्स ही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि हॉलीडेज भी एटलीस्ट इन द बिग टेक कंपनीज लगभग जो इंडिया में जैसी ऑफरिंग्स हैं वो सब यहाँ पर हैं. लोग लगभग लोग कल्चर भी ऑलमोस्ट वैसे ही, एटलीस्ट गूगल में तो वैसे ही है. तो उस सेंस में मुझे कोई इतना डिफरेंस नहीं दिखता कि आपने छुट्टियाँ लेनी है आपको नहीं मिलेंगी. वो इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर टीम एंड द वर्क यू आर डूइंग. एक्चुअली टिकट्स ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं और आपको काफ़ी सोचना पड़ता है. टिकट्स इज द ओनली थिंग. टिकट्स पे भी मेंशन मैं करता हूँ एक्चुअली. तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी अगर मैं दिवाली की अपनी टिकट्स देखूँ वो कुछ 1200 USD में हो रही हैं. 1200 USD फॉर टू पर्सनस आना और जाना, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है. ओके. अब इवेंचुअली देखो आपको कुछ 2000 के आसपास नॉर्मली नहीं मिलता है, और अभी आपको दिवाली का लगभग इतने में मिल रहा है दो लोगों का आना जाना, जो कि बहुत सस्ता है. तो मुझे लगता है मुझे करवा लेना चाहिए. बट ऑन एन एवरेज लगभग आपको 1700-1800 दो लोगों का आना जाना इतना चाहता है. तो वो भी आपको काफ़ी सोचना पड़ता है फाइनेंसेस, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा आओगे या जाओगे लेट्स से साल में 3 बार, फिर आपको लगेगा कि आप US आए क्यों. इफ़ योर एंड गोल इज जस्ट टू सेव, देन व्हाई आर यू इवन हियर, राइट? मतलब वो 2-3 लाख रुपए तुम्हारे बस आने जाने में ही लग जाएंगे, तो राइट दिक्कत है. प्लस ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद फिर तुम थोड़े गिफ्ट्स वगैरह भी ले जा रहे होगे एंड उस सारी चीजें भी. बिल्कुल. तो ये सारी चीजें भी एड ऑन हो ही जाएंगी. तो तुम्हारा मेन मोटिव था कि पैसे सेव करेंगे वहां जाके, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट? सो देखो जैसे दिवाली इज लाइक 6-7 months अभी यहाँ से, तो इतनी ज्यादा दिन पहले प्लान करना स्टार्ट करना पड़ता है ताकि टिकट वगैरह थोड़ी थोड़ी सस्ती मिल जाए. सो एक ये चीज तो है ही. तो गौरव आप ये बताओ कि लाइक जॉब हंटिंग कितना इजी होता है? पहले उससे पहले एक चीज की लाइक गूगल में आप गए हो अभी, सो किस टाइप की वीजा पे आपको लाइक US सेंड किया है गूगल ने? तो अब आप किसी और लाइक कंपनी में स्विच कर सकते हो, या फिर उसके लिए आपको वापस कुछ और चीजों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कोई और टाइप का वीजा वगैरह लेना पड़ेगा, राइट? तो एक्चुअली यहाँ पे वर्क वीजास की अगर बात करें तो दो ही प्राइमरी वीजास हैं, एक H1B और एक L1. तो मैं आया था L1 पे. L1 इज बेसिकली इंट्रा कंपनी एम्प्लॉय ट्रांसफर. उस केस में L1 के केस में क्या होता है कि योर वीजा इज टाइड विद योर कंपनी विद योर जॉब. तो अगर आप जॉब छोड़ोगे योर वीजा इज इनवैलिड, यू विल हैव टू रिटर्न टू इंडिया, विच ऑल्सो मीन्स कि मैं इस वीजा पे जॉब चेंज नहीं कर सकता. आई कैन नॉट अप्लाई टू अदर कंपनीज हियर इन द US. तो और अब इसका इम्प्लीकेशन, इस वीज़ा का एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि आप 5 साल से ज़्यादा US में नहीं रह सकते. एक्चुअली 5 साल भी नहीं, 3 साल है. और 3 साल के बाद आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है, जो कि देर आर सिग्निफिकेंट चांसेस ऑफ डिनाइल. तो 3 साल एट मैक्स 5 ईयर्स, फिर आपको वापस आना पड़ेगा. आपको 1 साल नॉन US ऑफिस में फिर काम करना पड़ेगा L1 दोबारा लेने के लिए. तो या यही सब L1 का है. अब दूसरा वीज़ा था H1B, उसकी बात करते हैं. H1B एक ऐसा वीज़ा है कि जिसमें आप जॉब चेंज भी कर सकते हो, और इसका जो टाइम रहता है आई थिंक मैक्सिमम 7 ईयर्स होता है कुछ. फॉर द फर्स्ट टाइम यू गेट 4 ईयर्स, एक्सटेंशन ले सकते हो 3 ईयर्स का, और उसके बाद फिर दोबारा भी आप वो वीज़ा ले सकते हो. मतलब L1 में होता है आपको जाना पड़ेगा 1 साल के लिए आउटसाइड ऑफ द US. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक्सटेंशन के बाद भी आप दोबारा ले सकते हो. आपको कुछ अप्रूवल चाहिए होता है जो कि मिल जाता है. बट H1B का ट्रिकी सीन ये है कि ये लॉटरी बेस्ड है, सबको नहीं मिलता है. ओके. एंड इंडियंस या फिर और जनरल बहुत लोग लाइक शिफ्ट कर रहे होते हैं टू US. हाँ, कर रहे होते हैं. बट कोई भी कंपनी डायरेक्टली H1B पे हायर नहीं करती है US में. मतलब आप इंडिया में हो और आप US की जॉब देख रहे हो, H1B पे वो आपको डायरेक्टली हायर नहीं करेंगे, क्योंकि जब इट्स एन अनसर्टेनिटी कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत ही बड़ी, क्योंकि लॉटरी बेस्ड है. लॉटरी मिलने के बाद भी नहीं मिलता है वीजा, क्योंकि उस लॉटरी का मतलब है कि ओके यू कैन नाउ अपीयर फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में भी फिर भी रिजेक्शन हो सकती है. तो मोस्टली कंपनीज नहीं करती हैं, ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर ही एक सही चीज है. बट कुछ कंपनीज लाइक ऑप्शन देती हैं H1B का, राइट? कि वो आपके लिए अप्लाई कर देंगे एंड यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू, राइट? तो लेट्स से आप L1 पर आ गए, अब वो कंपनी के लिए सही चीज नहीं है, क्योंकि नाउ यू आर वर्किंग फॉर अ US रोल, एंड ऑब्वियसली अगर आप यू आर ओनली लिमिटेड टू 5 ईयर्स, इट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी.
तो कंपनी गिव्स यू एन ऑप्शन कि वी विल अप्लाई H1B ऑन योर बिहाफ फॉर यू. तो हाँ, लोग यहाँ पे L1 पे आते हैं काफी कंपनीज में, और फिर H1 के लिए हर साल अप्लाई, जिन्होंने लॉन्ग टर्म रुकना है वो H1 के लिए फिर अप्लाई करते हैं. और वो लॉटरी बेस्ड है तो हर साल अप्लाई करते रहो जब तक ना आए. थैंक यू सो मच गौरव फॉर टेकिंग आउट टाइम, काफी ज्यादा मजा आपसे बात करके. सेकंड वाली वीडियो जो हमने रिकॉर्ड करी थी वो भी आई बटन में आ रही होगी, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी जरूर जाके देख लेना. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.